हाँ भाई, सभी को नमस्कार। छंद में बात कर रहे हैं। मात्रिक छंद मैंने पर्याप्त ले लिए हैं, जो दो एक हैं बाद में देख लेंगे उनको। कारण यह है कि बहुत छंद होते चले जा रहे हैं, हमारे विद्यार्थी भी परेशान हैं, हमारे साथी भी परेशान हैं। मात्रिक छंद के बाद हम आज वर्णिक छंद में आते हैं। स्पष्ट है, मात्रिक मात्रा और इक लगकर बना है मात्रिक, और वर्णिक में वर्ण और इक लगकर के बना है वर्णिक, इक प्रत्यय है। जब वर्णिक छंद की बात करते हैं तो फिर मित्रों, अब मात्राओं की गणना बंद। अभी तक जिनमें मात्राओं की गणना की जाती थी वो मात्रिक छंद थे, और अब समय आ गया है जिनमें हम वर्णों की गणना करेंगे। वर्ण पता है आपको, बताया था मैंने आपको, भाषा की सबसे लघु इकाई, छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ये मान लीजिए आ से लेकर, मात्रा ही नहीं, आ लिखा हुआ, आ से लेकर और ज्ञा तक सब कुछ वर्णमाला है। तो अब अक्षर गिनेंगे हम, सीधी सी बात ये है। अगर कहीं अनुराधा लिखा है तो अनुराधा चार अक्षर होंगे, ध्यान रखिएगा, कोई आवश्यक नहीं। कमल में तीन होंगे, बड़ी मात्रा लगी है, छोटी मात्रा लगी है, मात्राओं की गणना का काम समाप्त तो हो चुका, अब हम केवल वर्णों की बात करेंगे। ये छंद पहला हम जो लेने जा रहे हैं वर्णिक छंदों में, वो आपके सामने लिखा हुआ है, कवित्त छंद। कविता से ही बना है, कवित्त छंद आदिकाल का से छंद लिखा गया है, ये आज तक लिखा जा रहा है कवित्त छंद। इसे बोलचाल की भाषा में हमारे तमाम विद्वानों ने एक नाम दिया है, घनाक्षरी छंद। घनाक्षरी कहिए या कवित्त कहिए, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो बहुत गहरा अंतर है वो हमारे काव्य शास्त्र के ज्ञाता या जो बड़े बड़े हमारे कवि हैं जो इस धारा में बह रहे हैं उनके लिए पर्याप्त है। हम और आप साधारण बात है, हम घनाक्षरी या कवित्त एक बात। अब आइए, ये वर्णिक छंद हमें बता दिया आपको। एक और, इसमें आठ लाइनें होती हैं, अभी मैं आपको सुनाऊंगा, बिल्कुल धैर्य रखिए। आठ लाइनें होती हैं और हर दो लाइन का एक चरण होता है, चार चरण हैं, चार चरण, आठ लाइनें कवित्त में या घनाक्षरी में। कुल वर्ण 31 होते हैं, 31 वर्ण हैं। आगे लिखा हुआ है 16 और 15 पर यति होती है। अब देखें आप, आठ लाइनें मैंने कही, जब आठ लाइनें कही तो पहली लाइन में 8, दूसरी लाइन में 7, और इस प्रकार क्या हो गया, 8-7 जोड़ दीजिए तो 15 होते हैं। दूसरी लाइन में 15, पहली लाइन में 16 और दूसरी लाइन में 15, इस प्रकार एक चरण में 31 जो है वर्ण हुआ करते हैं। हर पहली लाइन में आपको 16 वर्ण मिलेंगे, हर दूसरी लाइन में आपको 15 वर्ण मिला करेंगे, तो 16 और 15 31 हो गए, 16-15 पर यति हो गई। चरण के अंत में गुरु, चरण ध्यान रखिएगा, बहुत सारी गाइडों में, बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि 8 चरण होते हैं, नहीं, चरण 4। हर दूसरी लाइन में जो 31वां वर्ण होगा अंतिम, वो होगा गुरु, लघु नहीं होगा, बड़े बड़ी की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, जो भी माने दीर्घ मात्रा होनी चाहिए चरण के अंत में गुरु। एक और ले लें, जब छंद शास्त्र के अंतर्गत नियम ये है, 8-8, 8-7, अर्थात दूसरे ने 15 है तो 8 का एक ग्रुप बनेगा, पहली लाइन में 8-8 के दो ग्रुप बनेंगे। साथियों, इससे पहले कि हम आपको समझाएं, हम आपको 2-3 कवित्त सुनाते हैं। रत्नाकर का पूरा उद्धव शतक बढ़िया घनाक्षरी और कवित्त का एक खजाना है। रीतिकाल के सारे कवियों ने एक लंबी कतार लिखी है, देव हो सकते हैं, पद्माकर हो सकते हैं, सेनापति हो सकते हैं। हम आपको 1-2 उदाहरण देंगे, जब ध्यान से सुनिएगा कवित्त, फिर समझा देते हैं आपको। साथियों ध्यान दें, अच्छा चलिए एक बात आपसे लेते हैं, एक ये एक ऐसा कवित्त मैंने यहां लिख रखा है
ये परिभाषा है, परिभाषा को ही कवित्व बना दिया गया है। जरा देख लीजिए जो ऊपर आपने पढ़ा है, आठ आठ तीन बार और सात एक बार और इकतीस अक्षरों का योग है घनाक्षरी। ध्यान दीजिएगा, कहता है आठ आठ तीन बार, पहले पढ़ लेते हैं, आठ आठ तीन बार और सात एक बार इकतीस अक्षरों का योग है घनाक्षरी, सोलह पंद्रह पर्यति का विधान मान, अरे शान को बढ़ाए वो सुयोग है घनाक्षरी। वर्ण इकतीसवां सदा ही दीर्घ लीजिएगा, और काव्य का सुहावना प्रयोग है घनाक्षरी, और आदिकाल से लिखा है लगभग सबने ही, और छंदों में तो जैसे राज भोग है घनाक्षरी। आपको देखा, एक कविता बना दी, कविता ही नहीं घनाक्षरी छंद बना दिया और पूरी परिभाषा इसमें आ गई अपने आप। आप कहेंगे कैसे, कहता है आठ आठ तीन बार, आठ आठ तीन बार जरा जोड़िए, आठ इंटू तीन कितने हो गए चौबीस, आठ आठ तीन बार और सात एक बार, सात एक बार और इकतीस अक्षरों का योग है घनाक्षरी। चौबीस सात कितने होते हैं इकतीस, वही तो मैंने कहा सोलह और पंद्रह, आगे देखते हैं सोलह पंद्रह पर्यति, वही बात आ गई सोलह पंद्रह पर्यति का विधान मान, शान को बढ़ाए वो सुयोग है घनाक्षरी। अगर हमने लिखा है, आपने लिखा है इकतीस वर्ण नहीं है तो फिर घनाक्षरी नहीं है। आगे कहते हैं वर्ण इकतीसवां सदा ही दीर्घ लीजिएगा, इकतीसवां वर्ण कौन सा होगा, दूसरी लाइन का, ठीक है ना, चरण गुरु के, मैंने यहां लिखा चरण के अंत में, ये वर्ण इकतीसवां सदा ही दीर्घ लीजिएगा, देख लें आखिरी ये इकतीसवां वर्ण है घनाक्षरी, री री री, वर्ण इकतीसवां सदा ही दीर्घ लीजिएगा, अरे काव्य का सुहावना प्रयोग है घनाक्षरी। और अंत में कहता है आदिकाल से ही लिखा है लगभग सबने ही, और छंदों में तो जैसे राज भोग है घनाक्षरी। साथियों मेरे पास कला तो है, याद कर लेता हूं, पढ़ा लेता हूं, बोल लेता हूं, व्याख्यान दे लेता हूं, सम्मान कर लेता हूं, भगवान ने कला दी लेकिन गला नहीं दिया, मैं पढ़ नहीं पाता बढ़िया, बस इसलिए मैं राग और लय, जो लोग बढ़िया कवित्व और सवैया पढ़ते हैं, जब पढ़ो या सुनो तो पूरा समाज झूम उठता है। हमारे यहाँ हमारे शर्मा सर जो हैं, डॉक्टर राकेश शर्मा बरेली वाले, शुभकारनाथ शुक्ला हमारे पीजीटी हिंदी हैं, अरे स्वयं हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं वो स्वयं हिंदी के जयपुर से आजकल हैं, उनके आप आए दिन स्वयं सुनते हैं। तो कहने का आशय ये, आप देखें ये मैंने आपको बताया, आइए एक दो छंद की बात कर लेते हैं जो आपको सुने होंगे आपने, रत्नाकर मैंने कहा था, रत्नाकर का एक लेते हैं, और रत्नाकर का भगवान कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं परेशान हैं, उद्धव आए हैं एक रथ पर सवार हैं, सारी गोपिकाएं समझती हैं कि कृष्ण आ गए कृष्ण आ गए, क्योंकि रथ कृष्ण का था, एक अपार भीड़ है, कृष्ण ने एक पत्र भेजा है और उस पत्र को उद्धव पढ़ रहे हैं। उस समय गोपिकाओं की हाल क्या होता है आप ध्यान देंगे, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गावन में पावन जबे लगी, कहें रत्नाकर गुआरिन की, झौरी झौरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी, अरे उझक की पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छोहन छबे लगी, और हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी। एक ये छंद आपने पढ़ा होगा, बढ़िया घनाक्षरी है, एक दिखाते हैं आपको, देखिए आधुनिक काल में भी खड़ी बोली में लिखा गया, छल छल सीधों को सतत सब साधे स्वार्थ, भाव परमार्थ के सदैव कुचले गए, माया के महल बैठी चहल पहल कीनी, अरे दहल न खाई दीन दुखित दले गए, जाना ये सभी ने कि एक दिन जाना होगा, माना ना किसी की आप ही चले गए, आए बांध मुट्ठी झूठी देख दुनिया को साथ, ले गए ना कुछ हाथ खोले ही चले गए। प्रायः कवित्व जो लिखे गए वो वीर रस में लिखे गए, क्योंकि एक जोश और उत्साह और उमंग इसका एक विशेष गुण होता था। लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम जी लक्ष्मण को डांटते हुए कहते हैं, एक कवि देख लीजिए आप, अरे पल्ला पड़ा है आज लल्ला करोगे याद,
पल्ला पड़ा है आज लल्ला करोगे याद, ऐसा पुछल्ला सने हिस्सों लगाई हो और भूल जाए हल्ला भितल्ला निकस जाए और काटी काटी कल्ला कपाल बिथिराई हो। अरे छेद सिर छल्ला सो बनाए नाल मुंड केरी और मनमोद मान आशुतोष को पिन्हाई हो और लखन वंश रघुवंश को विदार मार और नाम हु नरेश अवधेश को मिटाई हो। भूषण को पढ़ा होगा आपने, है ना, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी और सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनद नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गए बरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल और गजन की ठेल पेल सैल उलसत हैं और तारा सो तरनी धूरी धारा पै लगत जिमी और थारा पर पारा पारा वारियों हलत। एक विशेषता है इस छंद की कि एक लय एक कथन एक कहावत और एक कहानी की धारा बराबर बहती रहती है। ध्यान दे कवित्त छंद घनाक्षरी। एक और बात बता दें, घनाक्षरी के भी लोगों ने तीन भेद कर दिए हैं। जहां 31 का है वहां पर सामान्य घनाक्षरी है, जहां पर 32 का है वहां रूप घनाक्षरी है, जहां 33 हो जाते हैं वहां देव घनाक्षरी हो जाती है। अर्थात जब एक एक वर्ण बढ़ जाता है तो घनाक्षरी के तीन भेद, किंतु मुख्य रूप से घनाक्षरी 31 की होती है। आप केवल घनाक्षरी ही लिखेंगे, उसके भेद में नहीं जाएंगे। अरे आटा सना हुआ रखा है, जब माँ जरा सा घी लगा देती है तो फिर उसमें पराठा बन जाता है, पूड़ी बन जाती है, रोटी बन जाती है। लेकिन एक शब्द याद रखिएगा, घनाक्षरी वर्णिक छंद 31 वर्ण चरण के अंत में गुरु। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।